Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation will be going well also. So in this video we will gonna discuss about the merit as well as the demerit of Bentham and Hooker's classification. Okay, so as you all know, the Bentham and Hooker classification is the most important topic of botany पेपर ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर. ओके, सो प्लीज़ आप लोग बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को हल्के में मत लेना. ओके, हल्के में मत लेना और अच्छे से तैयार करके जाना. भले ही आप अगर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन का आउटलाइन याद कर रहे हो तो भी उसे सीरीज़ वाइज अच्छे से याद करना. और अगर मेरिट एंड डीमेरिट याद कर रहे हो तो बस ऐसा नहीं कि 5 या 6 याद कर लिया, नहीं, मैक्सिमम 10 एंड 10 आपको याद करके जाने पड़ेंगे. ओके, बिकॉज कि कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी बस मेरिट एंड डीमेरिट पूछ देता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप बस 5 या 5 पॉइंट तो लिख के नहीं आओगे ना कि 5 मेरिट एंड 5 डीमेरिट. इसी वजह से मेरिट एंड डीमेरिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बता सकूं मेरिट एंड डीमेरिट जो कि बेंथम एंड हुकर के हैं. ओके, सो सबसे पहले हम लोग मेरिट पढ़ेंगे, देन उसके बाद डीमेरिट पढ़ेंगे. और प्लीज़ आप लोग मेरे जो भी चैनल के प्लेलिस्ट हैं उन्हें चेकआउट करो, बिकॉज़ कि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. सो प्लीज़ आप लोग चैनल को विजिट भी करिए. एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है वो जानते हैं कि मैं कितना एफर्ट लगा करके वीडियो बनाती हूँ. मतलब मैं हर दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ. सो प्लीज़ फॉर डैट आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो एंड कमेंट भी कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है. ओके, आई नो कि मैंने थोड़ी देर बकबक कर दिया, बट ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो. सो सबसे पहले हम लोग मेरिट पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? मेरिट पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड वन विथ ईजी मीन एंड वे फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्लांट. तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के यूज से किसी भी प्लांट को बहुत ही ईजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनरा इज़ वेरी एक्यूरेट. ठीक है, एक्यूरेट मीन्स कि एकदम ही करेक्ट है, एकदम ही सही है. तो जो फैमिलीज एंड जेनरा के जितने भी बेंथम एंड हुकर ने डिस्क्रिप्शंस दिए थे वो सभी के सभी एक्यूरेट थे और सही थे. ओके, द थर्ड पॉइंट इज ईच फैमिलीज हैज़ अ सिनॉप्सिस इन द बिगनिंग विच इज़ वेरी यूज फुल इन आइडेंटिफिकेशन. सो हर फैमिली का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में बताया गया है. लाइक अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो लाइक एस्टोरेसी फैमिली, तो आपको अगर पूछे कि एस्टोरेसी फैमिली का बस एक ही नाम से पहचानो, मैंने एक टर्म आपको बोला और आपको पहचानना है कि दिस कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो मीन्स कि अगर मैंने हेड एंड कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा फैमिली आएगा? डैट इज़ एस्टोरेसी फैमिली, एस्टर्स फैमिली. ओके, तो एक ना एक सिनॉप्सिस था जिससे हम हर एक फैमिली के आइडेंटिफिकेशन में, मीन्स ये जो सिनॉप्सिस था वो हर एक फैमिली के आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल आता था. So the fourth point is the classification is a great natural system of its own kind and to a great extent forms and ancestors of every recent system. Okay, so ये जो point है आपको बस इससे ये समझना है कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. डोंट कन्फ्यूज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कहते हैं. अगर आपके पेपर में बेंथम एंड हुकर ना लिख करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आ जाए तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को ही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन द अनदर पॉइंट. सो द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम लाइज इन द एक्सटेम्पोस स्टडी of the actual specimens by the authors and thus the classification of Bentham and Hooker represent the result of a careful comparative examinations of non genera of all the following flowering plant. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो author हैं उन्होंने अपना means बहुत कुछ पढ़ा है, खुद भी उन्होंने बहुत रिसर्च की है, हर चीज़ उन्होंने पढ़ी है, जिसके वजह से उनके पढ़ने और उनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के जेनरा को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं. लाइक जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ को पढ़ी थी. ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज़ को पढ़ी थी और उन्होंने क्या दिया था, एक कंपैरेटिव एग्जामिनेशन दे दिया था, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि मान लो कैरोफिलेसी फैमिली है, एस्टोरेसी फैमिली है या फिर एकेंथेसी फैमिली है, तो हम सभी को ये चीज़ अभी पता है। जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैरोफिलेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन का प्रेजेंस होना, एस्टोरेसी फैमिली का हेड एंड कैपिटुलम फ्लोरेसेंस, एकेंथेसी का जैगुलेटर्स, पॉलिनिया। तो ये सब जो होता है ना, ये एक कंपैरेटिव एग्जामिनेशन दिया था जिससे हम लोग को बहुत ही ईजी हो जाता है हर एक फैमिली को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, 6th इज़ The system starts from renales, which are now universally considered to be most primitive living angiosperms. So Bentham and Hooker क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही पुराना क्लासिफिकेशन है, बट उसके बावजूद जो उन्होंने क्लासिफिकेशन उस टाइम पर दिया था, तभी भी उन्होंने रेनेल्स को क्या किया था, सबसे पहले अपने ऑर्डर में रखा था। सबसे पहला ऑर्डर था रेनेल्स, और इस टाइम तक रेनेल्स क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म है। मीन्स कि आप सोचो उसके बाद भी कितनी सारी रिसर्च हुई होंगी, डिनाई भी कर सकते थे लोग, बट बेंथम एंड हुकर ने कितना दिमाग लगा करके ये क्लासिफिकेशन का आउटलाइन बनाया था कि उन्होंने रेनेल्स जो था उसे सबसे पहले रखा ऑर्डर में, और आज भी वो बरकरार है। आज भी मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म रेनेल्स के प्लांट ही होते हैं। नाउ जो अगला पॉइंट है वो है 7th, लार्जर जेनरा सब डिवाइडेड इंटू सब जेनरा एंड सेक्शन। तो बेंथम एंड हुकर ने अगर कोई भी जेनरा बहुत लार्ज होता था, उनमें बहुत सारे प्लांट पाए जाते थे, तो वो एक लार्जर जेनरा बन जाता था। इसीलिए बेंथम एंड हुकर ने लार्जर जेनरा को सब जेनरा एंड सेक्शंस में भी डिवाइड किया था। 8th, दे बिलीव्ड इन द इवोल्यूशन थ्रू रिडक्शन एंड हैंस प्लेज मोनोकॉट आफ्टर डाइकॉट, इवन इन डाइकॉट द डाई क्लेमाइडस पॉलीपिटेली एंड गैमोपिटेली वर प्लेस्ड बिफोर द यूनिसेक्सुअल्स मोनोक्लेमाइडी। सो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ कि जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने सबसे पहले रखा डाइकोटिलिडॉन को, देन रखा मोनोकोटिलिडॉन को। ठीक है, आप लोगों ने अगर क्लासिफिकेशन देखा होगा तो सबसे पहले आया है डाइकोटिलिडॉनी, देन उसके बाद जिम्नोस्पर्मी, एंड देन उसके बाद मोनोकोटिलिडॉनी। तो हम लोग जनरली जिम्नोस्पर्मी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, डेट्स वाई हम सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ते हैं, तो हमें डाइकोटिलिडॉनी एंड मोनोकोटिलिडॉनी पढ़ना है। तो यहाँ पर आप खुद सोचो कि बेंथम एंड हुकर इवोल्यूशन में कितना बिलीव करते थे कि उन्होंने डाइकोटिलिडॉनी को पहले रखा, उसके बाद मोनोकोटिलिडॉनी को रखा। ठीक है, और उसके और अगर हम इसका देखें कि वो इवोल्यूशन में और भी बिलीव करते थे, तो इसका एग्जांपल और मिल जाएगा आपको कि अगर आप देखो पॉलीपिटेली एंड गैमोपिटेली, तो सबसे पहले उन्होंने पॉलीपिटेली रखा, देन गैमोपिटेली रखा। पॉलीपिटेली में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फ्लावर्स के जो पेटल होंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे, पेटल्स आर फ्री। लेकिन गैमोपिटेली में यही पेटल्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इनको पता है, इनका जो इवोल्यूशन में जो एक बिलीव है उन्होंने कायम रखते हुए मोनोकॉट को बाद में रखा डाइकोटिलिडॉनी के, एंड पॉलीपिटेली को पहले रखा मोनोपिटेली गैमोपिटेली के। ओके, सो ये था इनका एक इवोल्यूशन का, मतलब इवोल्यूशन में बिलीव था जो, उसका एक पॉइंट हो गया। 9th जो है वो है द गैमोपिटेली प्लेस्ड आफ्टर पॉलीपिटेली इज जस्टिफाइड सिंस यूनियन ऑफ पेटल इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवांस्ड फीचर। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, अगर पॉलीपिटेली को पहले रख दिया, गैमोपिटेली को बाद में रख दिया, पॉलीपिटेली में पेटल्स फ्री होते हैं, गैमोपिटेली में फ्यूज़ होते हैं, तो इससे क्या मतलब। तो देखो, पॉलीपिटेली में पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और हम सभी को ये पता है कि अगर कोई भी जो प्लांट है, अगर उसके पेटल्स क्या है, फ्यूज़ हैं, तो वो क्या है, एक बहुत ही मीन्स यूनियन ऑफ पेटल जो होता है वो एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टर होता है। ठीक है, ऐसे फ्री कोई चीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपके ही घर में मान लो, ठीक है, आपके ही घर में बहुत सारे सामान हो और वो इधर उधर बिखरे हुए हों, वो फ्रीली इधर उधर कहीं भी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली है। बट अगर आपकी मम्मी या आप उसे क्या करते हो, एक जगह अरेंज करके रख देते हो, तो ये हो जाता है आपकी स्पेशलिटी, ये हो जाता है आपका एडवांस फीचर। ठीक है, तो ये तो फीचर आपके में बाद में आया ना, जब तक कोई चीज़ फ्री पड़ी ही नहीं रहेगी आप उसे कैसे अरेंज करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए जो अरेंजमेंट है, जो यूनियन है, वो हमेशा से ही एक एडवांस फीचर माना जाता है। इसी बिलीफ की वजह से पॉलीपिटेली को पहले रखा गया एंड गैमोपिटेली को बाद में रखा गया। ठीक है, नाउ अगर 9th जो पॉइंट है उसकी बात करें, द गैमोपिटेली प्लेस्ड आफ्टर पॉलीपिटेली, ओके, सो आई डिस्कस इट। नाउ 10th जो है उसे अगर देखें तो द पॉलीपिटेली इंक्लूड सैलिमिफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी ऑफ डी कैंडोल, बट बेंथम एंड होकर डिस्टिंग्विश्ड अ न्यू सीरीज डिस्कीफ्लोरी विच इंक्लूड्स ऑर्डर विच कैन नॉट बी असाइंड टू थैलमीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। ओके, सो जो डी कैंडोल थे उनका जो क्लासिफिकेशन था उसमें आपको थैलमीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी के बारे में मिल जाएगा। बट जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने एक न्यू सीरीज़ बताई थी जिसे हम लोग डिस्कीफ्लोरी कहते हैं। नाउ थैलमीफ्लोरी में जो थैलमस होता है वो आपका कप शेप्ड होता है, कैल्सीफ्लोरी में आपका जो थैलमस होता है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, और जो न्यू जो बेंथम एंड हुकर ने बताया था डिस्कीफ्लोरी उसमें जो थैलमस होता है वो कैसा होता है, डिस्क के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है। Now, 11th is the three series Thalamophlory, Disciflory and Calciflory show gradual evolutionary advance from marked hypogyny to epigyny. Now, जो Thalamophlory, Disciflory and Calciflory है, इन तीनों में ही सब देखो आप लोग को हाइपोगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर पता होगा कि हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होती है वो क्या होती है, आपकी सुपीरियर होती है, और जो एपिगाइनस होता है उसमें जो ओवरी होती है वो आपकी इन्फीरियर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि सबसे पहले ओवरी क्या रही होगी, सुपीरियर रही होगी या फिर इन्फीरियर रही होगी। तो ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी एडवांस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले थैलमीफ्लोरी को रखा गया जिसमें कि ओवरी होती है सुपीरियर, डिस्कीफ्लोरी में भी ओवरी होती है सुपीरियर, लेकिन कैल्सीफ्लोरी में अगर आप देखो तो ओवरी इन्फीरियर हो जाती है, और एपिगाइनी मीन्स उसको हम लोग एपिगाइनी भी कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है। तो ये भी एक ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी चेंज था जिसको ध्यान में रखते हुए उसी टाइम पर बेंथम एंड हुकर ने ये सभी अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है। नाउ 12th है आपका ट्रीटिंग कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरी एंड एपिएसी एट द एंड ऑफ पॉलीपिटेली एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पॉली एंड गैमोपिटेलस फैमिली। ठीक है। तो ये आप देख लेना, आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो, सो इस वजह से मैं अब आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि प्लेसिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल मोनोकॉट फैमिली आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिलीज पाल्मी एंड एस्ट्रेसी आफ्टर लिलिएसी। तो यहाँ पर भी यही है कि यूनिसेक्सुअल जो मोनोकॉट थे उनको पहले रखा गया, बाइसेक्सुअल को बाद में रखा गया, इवोल्यूशन का ध्यान रखते हुए। 4th है द सीरीज ग्लूमेसी एंड द सीरीज ग्लूमेसी विथ एक्सट्रीमली रेड्यूस फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो जो ग्लूमेसी सीरीज़ थी उसे हम मतलब बेंथम एंड हुकर ने बहुत ही बाद में रखा, क्यों? क्योंकि उनमें रेड्यूस फ्लावर पाए जाते हैं और उनके इन्फ्लोरेसेंस की वजह से। ठीक है। 15th द सिस्टम वॉज नेवर कनेक्टेड बाय इट्स ऑथर ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मैरिट, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर मैरिट आपको बेंथम एंड हुकर में मिलेंगे, उनके इवोल्यूशनरी जो उनका एक इवोल्यूशनरी बिलीफ था उसके ऊपर मिलेगा कि उन्होंने अपने इवोल्यूशनरी बिलीफ पे उस टाइम पर हर चीज़ बहुत ही अरेंज अच्छे से की हुई थी, और इस टाइम भी उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। So with some demerits, let's move on the Bentham and Hooker's classification। और इसमें हम लोग demerit पढ़ेंगे। तो demerits of Bentham and Hooker classification में भी आपको मीन्स 12 पॉइंट यहाँ पर हैं, बट ये मत समझना कि हाँ इतना ही अच्छा था तो फिर 12 demerit कहाँ से आ गए। देखो imperfection सब में होता है, no one is perfect और not anything is perfect। इवन जो आप लोग पढ़ते हो वो भी पूरी तरीके से सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट डीमेरिट। फर्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीसीज। इट एस्टैब्लिशेस नो फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, हैंस मैनी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स वर नेग्लेक्टेड, सो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज वर केप्ट अपार्ट and many distinct families of plant were put together. Example in Dicotyledons, U4BAC was placed in Monoclemidae to relate to Malvaceae, the retention of some natural orders. Example आपका ये सारा एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो। सो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा इवोल्यूशन में बिलीव करने के बाद भी यहाँ पर गलती हो गई। अब गलती क्या हुई कि जो क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज़ थी उन्हें बेंथम एंड हुकर ने दूर दूर रख दिया था, और जो मीन्स कि जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल रहे थे उन फैमिली को दूर रखा गया, और जिनमें नहीं मिल रहे थे जो बहुत ही डिस्टेंट से एक दूसरे से, तो भी उन्हें क्या कर दिया गया, एक पास रख दिया गया। लाइक डाइकोटिलेडोनी में अगर हम लोग देखें तो U4BAC को मोनोक्लेमाइडी में रखा गया थ्रू रिलेटेड टू Malvaceae, the retention of some natural order। ठीक है। Like example of Polygonaceae, Nyctanthinaceae, Amaranthaceae, Chinopunidaceae, etc. in the subclass Monoclemidae is also unnatural because these orders are related to order having differentiated parents। तो इसमें parent का ही खेल है। यहाँ पर आपको example में बताया गया है कि parent का यहाँ पर खेल है कि U4BAC जो है उसे मोनोक्लेमाइडी में रखा गया, थ्रू रिलेटेड टू मालवेसी, बल्कि ये मालवेसी के साथ क्या होता है, रिजेंबल होता है। और मालवेसी को जहाँ आप रूबीएसी पढ़ोगे वहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो यूफोबीएसी को मालवेसी के साथ ही रखना चाहिए था, लेकिन गलती हुई है कि मालवेसी को पहले रखा गया है एंड यूफोबीएसी को बहुत बाद में रखा गया है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में बिलीव रखने के बावजूद ये एक गलती हो गई है इन लोगों से। अब फिर दूसरा क्या है, कंपोजिटी दैट इज एस्टरेसी इज अ हाईली एडवांस फैमिली एज एंड इज प्लेस्ड इन इनफेरी एट द बिगनिंग ऑफ गैमोपिटाली। तो बोलने का मतलब ये है कि एस्टरेसी फैमिली जो है, जिसे हम लोग कंपोजिटी भी कहते हैं, वो बहुत ही एडवांस फैमिली है, बहुत ही एडवांस फैमिली है, तो भी उसे इनफेरी जो है उसमें सबसे पहले रख दिया गया। अब गैमोपिटाली के अंदर क्या आता है, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलेट, ठीक है, तीन आते हैं। तो इनफेरी में सबसे पहले एस्टरेसी को रखा गया, उसके बावजूद कि ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो एडवांस को हमेशा ही बाद में रखा जाता है, तो इसे बाद में रखना चाहिए था, लेकिन इसे हम लोग ने क्या किया, पहले रख दिया, हम लोगों ने नहीं, बेंथम हुकर ने, ठीक है। थर्ड क्या है, सिमिलरली इन मोनोकोटिलिडोनी हाइड्रोकैरेटिसी, जो आपकी फैमिली, जो आपके सिलेबस में नहीं है ये फैमिली, एंड हाईली इवॉल्व ऑर्किडेसी वर पुट टुगेदर अंडर माइक्रोस्पर्मी ड्यू टू देयर स्मॉल सीड रिलेटेड फैमिली लाइक लिलिएसी एंड एम्लीडिएसी वर केप्ट अपार्ट। फिर वही बात है कि लिलिएसी और एम्लीसिडी जो है, एम्लीसिडेसी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड फैमिली है एक दूसरे से, उसके बावजूद उन्हें क्या किया गया, बहुत दूर दूर रखा गया। फोर्थ क्या है, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वर नॉट इस्टेब्लिश। इसमें यह कहीं नहीं बताया गया कि आखिर एंजियोस्पर्म्स जो हैं उसका ओरिजिन क्या है। फिफ्थ है, द पोजिशंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज ऑल्सो एनोमलस दैट इज इन बिटवीन डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन। मैंने पहले ही बताया कि डाइकोटिलिडॉन के बाद जिम्नो रखा गया, फिर मोनो रखा, तो मोनोकोटिलिडॉन रखा गया। तो डाइकोटिलिडॉनी एंड मोनोकोटिलिडॉनी का प्लेस तो समझ में आ रहा है, बट ये कहाँ से बीच में आ गया, जिम्नोस्पर्मी कहाँ से बीच में आ गया, तो ये भी नहीं बताया गया है। नाउ सिक्स, द ग्रुप मोनोक्लेमाइडी इज एंटायरली आर्टिफिशियल। इसके बावजूद कि हम लोग पूरे क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो भी इसमें मोनोक्लेमाइडी जो है, मोनोक्लेमाइडी जो पूरा का पूरा ग्रुप है, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। तो ये भी तो बात नहीं समझ में आई ना कि अगर आप पूरा सिस्टम नेचुरल कह रहे हो तो फिर आपने बीच में आर्टिफिशियल कहाँ से ला दिया, ठीक है। सेवन्थ है, मैनी इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स वर नेग्लेक्टेड। तो बहुत सारे फैमिली के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया था। एट जो है, सम ऑफ द क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैव बीन सेपरेटेड एंड प्लेस्ड अंडर डिफरेंट कोहॉर्ट्स एंड अ नंबर ऑफ अनरिलेटेड फैमिली पुट टुगेदर। फिर से वही है, वही रिपीट है, ठीक है, कि आप क्लोजली रिलेटेड को दूर दूर रख दिए हो और जो बहुत डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से उन्हें पास में रख दिए हो। नाइन्थ जो है, सम एडवांस फैमिली लाइक ऑर्किडेसी हैव बीन रिगार्डेड एज प्रीमिटिवली बाय प्लेसिंग इन द बिगनिंग। मैंने पहले ही बताया कि एस्टरेसी बहुत ही एडवांस है, तो भी उसे बिगनिंग में रखा गया। वैसे ही ऑर्किडेसी भी बहुत ही एडवांस है, लेकिन तो भी उसे बिगनिंग में रखा गया था। टेंथ क्या है, लिलिएसी एंड एमरालाइडेसी वर केप्ट अपार्ट थ्रू दे आर क्लोजली रिलेटेड, ऊपर ही बताया। The एमरालाइडेसी इज़ मोर अलाइड टू लिलिएसी बट इज क्लबन विथ स्किटे। देखो यहाँ पे आपका ये दो पॉइंट है और जो ऊपर एक पॉइंट था वो सब मिला है, कि मिला जुला है कि जो लिलिएसी और एमरालाइडेसी होता है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही दूर दूर रखा गया। 12th एंड द लास्ट पे अगर हम लोग बात करें तो द पोजीशन ऑफ सीरीज एपोकार्पी इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू इट्स फ्री एंड सुपीरियर कार्पेल। तो एपोकार्पी जो है उसका जो पोजीशन है, सीरीज जो एपोकार्पी है उसका पोजीशन अभी तक एक सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाया है, क्योंकि इसमें फ्री एंड सुपीरियर कार्पेल पाया जाता है, तो इसको किसी और ग्रुप में होना चाहिए, बट ये कहीं और है, ठीक है। सो कुछ गलतियों की वजह से बहुत सारे डीमेरिट्स भी निकल गए हैं बेंथम एंड हुकर में, बट उसके बावजूद ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जब आप फैमिलीज़ का क्लासिफिकेशन करते हो, फैमिलीज़ को पढ़ते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो बेंथम एंड हुकर सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। एंड अब आप लोगों को बेंथम एंड हुकर में क्या पढ़ना है वो मुझे बता देना, एंड कोई भी फैमिली अगर आपको पढ़नी होगी तो वो भी ज़रूर कमेंट करना, सो डैट मुझे ईजी हो कि आप लोग जो चाहते हो कम से कम मैं वो वीडियोस पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।